हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मंजू कास्तूर और कास्तूर रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, मार्केट में फ्रेश मशरूम आ गए हैं। चलिए मशरूम के पकौड़े बनाते हैं। तो मार्केट में जो थैली में मिलते हैं वही मशरूम मैंने ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इनका पानी सुखा लिया है। ऊपर डंठल वाले भाग को हम खाली कर लेंगे, देखिए इस तरह से। इसी तरह से सारे मशरूम हम खाली कर लेंगे डंठल वाले भाग से। देखिए, जो इसमें से एक्स्ट्रा पार्ट निकला है वो हम पराठे में यूज़ करेंगे। आधी कैरेट ली है यहाँ पर मैंने, और थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ी सी हरी प्याज, एक हरी मिर्च और ये लहसुन अदरक पेस्ट और रेड चिली सॉस 1 टेबल स्पून डालेंगे इसे। ये देखिए मेयोनीज है, इसे भी हम 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। भुना हुआ जीरा 1 टेबल स्पून, काला नमक 1 टेबल स्पून और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अंदर भरने के लिए ये सामग्री तैयार है, देखिए इस तरह से भर देंगे। लीजिए, से मैंने भर के बताया, इसी तरह से सारे मशरूम में हम बीच वाले पार्ट को भर देंगे जो खाली पार्ट था। देखिए सारे मशरूम भर कर तैयार हैं। चलते हैं अब अगले प्रोसेस की ओर। एक मैंने बर्तन ले लिया है, यहाँ एक बाउल में मैंने लिया है बेसन और उसी के आधे बाउल मैंने इसमें सूजी डाली है, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून टर्मरिक और इनको थोड़े थोड़े पानी की मदद से मिक्स कर लेंगे। और इसका बैटर तैयार करेंगे। बैटर ज़्यादा पतला नहीं रखना है और इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे, जितना फेंटेंगे उतना ही स्मूथ बनेगा। अब एक मशरूम लेंगे और उसे इस तरह से चम्मच की मदद से उसके ऊपर ये पेस्ट डाल देंगे, इधर उधर से लपेट देंगे। देखिए इस तरह से कितना अच्छा पेस्ट ऊपर से हो गया है। और यहाँ हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे। तेल हमें ज़्यादा हीट पर नहीं रखना है। इसी तरह से और भी मशरूम इसमें डाल देंगे। हमें उतने ही मशरूम डालने हैं जितने कि इसमें आसानी से फ्राई हो सकें। तब यह एक तरफ से हमारे सिक्कर तैयार हो जाएंगे, तभी हम इन्हें पलटेंगे। देखिए अब हम इन्हें पलट देंगे, थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। गैस की फ्लेम अभी लो ही रखेंगे और अब हम इन्हें हाई फ्लेम पर सेकेंगे। इससे ये बेनिफिट है, तो मशरूम अच्छी तरह से अंदर से पक जाएंगे। अगर हम हाई फ्लेम पर ही शुरू से सेकेंगे तो अंदर से कच्चे रहने की संभावना है। तो देखिए कितने प्यारे से मशरूम के पकौड़े बनकर तैयार हैं। सब्जियां तो आपने बहुत खाई होंगी मशरूम की, लेकिन आज हम पकौड़े बना रहे हैं। तो देखिए कितने अच्छे पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इसे आप चाय के साथ सुबह नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं, घर में आए हो मेहमान तो उन्हें भी बनाकर खिला सकते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी करारे हैं एकदम। एक मैं कट करके बताती हूँ इस तरह से, देखिए कितना बढ़िया बना है, अंदर से कितना अच्छा सिका है। यकीन मानिए खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं। तो एंजॉय कीजिए सुबह के नाश्ते में। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।